गगा थाना क्षेत्र में 10 मार्च को ग्राम हटवा निवासी रितेश मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 मार्च को गगहा डेमूशा मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक शिव शंभू मौर्य व उसके कर्मचारी संजय पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने इन दोनों हत्याओं का सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अभियुक्त अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दोनों फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 32 बोर का एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर का 2 तमंचा व 5 जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो व 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दोनों हत्या की योजना हम सभी लोगों द्वारा वेद प्रकाश सिंह के पोल्ट्री फार्म पर बनाया गया था, जिसे योजनाबद्ध तरीके से मिगरेंद्र सिंह उर्फ सनी सिंह एवं युवराज सिंह उर्फ राज सिंह द्वारा हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हत्या की दोनों घटनाओं को कारित करने के पश्चात राजू चौधरी के स्कॉर्पियो से सनी व युवराज सिंह फरार हो गए थे एवं उस स्कॉर्पियो में पहले से राजू के साथ आकाश यादव भी मौजूद था तथा मोटरसाइकिल को हम लोगों द्वारा हटा दिया गया था, तभी से हम सभी लोग छुप कर रह रहे थे। पकड़े अभियुक्तों की पहचान गगहा थाना क्षेत्र के हटवा निवासी वेद प्रकाश सिंह पुत्र स्वर्गीय सूबेदार सिंह, अमित सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रभूषण सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ हैप्पी सिंह पुत्र विश्राम सिंह, राजू चौधरी पुत्र राजेंद्र चौधरी निवासी डांगी पार थाना खोराबार, विशाल सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र कृपा शंकर सिंह निवासी मेहदियो थाना गगहा, आकाश यादव पुत्र उमा यादव निवासी मझरिया थाना गगहा के रूप में हुई है। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि दोनों हत्या का तार एक ही अपराधी गुट से जुड़ा है। इसमें अपराधियों ने शंभू मौर्य से 5 लाख की रंगदारी भी मांगी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पुलिस लाइन स्थित मेस सभागार में घटना के खुलासे के दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, मुख्य उद्देश्य की 13 हत्या कराने से बरी होना चाह रहा था, इसलिए गवाहों को मारना चाह रहा था, समझौता कराना चाह रहा था। वादी के पास ही एक ऐसा अधिकार है जो कि पुनः एक बार हो गया था, गवाही हो गया था, पुलिस वालों की गवाही बचा हुआ था, वादी के पास ही एक वह थी, तो पुनः विचार करिए जज साहब के सामने अपने। जो रितेश मौर्य और एक ही नई गैंग के द्वारा किया गया है, विगत मार्च महीने में जो हत्याएं गगा में हुआ है, एक रितेश मौर्य नाम के व्यक्ति और उसके बाद अभी रिसेंटली एक शंभू मौर्य, शिव शंभू मौर्य के जो हत्या, इसकी घटना जो है लोकल थानाध्यक्ष एवं एसओजी स्वाट और सर्विलांस टीम के मदद से एसपी साउथ, एसपी क्राइम एवं उनके क्षेत्राधिकारीगणों की जो कड़ी मेहनत से घटना के अनावरण हुआ है। इसमें मुख्य शूटर जो है सनी सिंह उर्फ मृगेंद्र सिंह है, जो कि 2013 में 13 हत्याकांड में जेल जा चुका है, और उसका साथी राज सिंह उर्फ युवराज सिंह है, जो कि पूर्व में इसकी आपराधिक इतिहास है, लड़की के छेड़खानी एवं रंगदारी टाइप का। बाकी उनके सहयोग और पूरा घटना में मुखबिरी करना, इनको छुपाने में संसाधन, गाड़ी 4-व्हीलर 2-व्हीलर प्रोवाइड करने में, इनको पुलिस से बचाने में और इनके पूरा प्लानिंग में शामिल और सगे भागीदारी लेने में, जो शामिल 7 लोगों में से 6 लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं, जिसमें एक पहले से जेल जा चुका है, प्रिंस चंद आपको याद होगा एक्सटॉर्शन की किसी मामले में प्रिंस चंद जेल जा चुका है। अन्य इनके 6 साथीगण गिरफ्तार हुए हैं, वेद प्रकाश सिंह पुत्र स्वर्गीय सूबेदार सिंह हटवा गगा का रहने वाला, अमित सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रमान हटवा गांव के हैं, अभिषेक उर्फ हैप्पी ये भी हटवा के हैं, राजू चौधरी पुत्र राजेंद्र चौधरी डांगी पार कोराबार थाने के हैं, विशाल सिंह उर्फ कल्लू ये मेहंदिया गगा के हैं, और आकाश यादव पुत्र उमा यादव निवासी मंजरिया थाना गवा
इतने लोग अभी हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए हैं, जो पूर्व में रितेश की जो हत्या हुई है, और अभी जो रिसेंटली 4 दिन पहले जो शिव शंभु और उनके नौकर का हत्या हुई है, ये पूर्व सुनियोजित तरीके से पिछले दिसंबर से इन लोगों के द्वारा प्लानिंग करके किया है। वजह यह है कि जो रितेश मौर्य 2013 की जो तेहरा हत्याकांड की वादी को सपोर्ट कर रहा था, 7 साल बाद जेल छूट के आया है। जेल से छूटने के बाद आते ही आप सभी लोगों को ये होगा कि मार्च 6 तारीख को उनके खिलाफ एक एक्सटॉर्शन की मुकदमा लिखा गया, जिसमें ठीका सिंह जो है जेल चला गया। तब से अपने मोबाइल बंद करके फरार हो गए थे। पहले से सोचित सुनियोजित तरीके से ये पूरा गैंग ने मिल के रितेश को मारा है। वजह यह है कि वो जो वादी है वो समझौता करने के लिए जो दबाव में बहुत परेशान था, रितेश ने साथ दिया। पहले 151 में भी बंद हुआ, बाद में 386 के मुकदमा भी लिख के उसमें ठीका सिंह जो इनका मेन शूटर के भाई है वो जेल चला गया, वो अभी भी जेल में है। इसी में इसको जैसे पता चला कि अगर ये जिंदा रहेगा और ऊपर से चुनाव में जीत जाएगा, ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा और उसके लिए घातक स्थापित हो सकता है, और ऊपर से ये वापस जेल जाना नहीं चाह रहा था, वादी को किसी तरह मैनेज करके उसको दबाव बना के उसको केस वापसी के लिए और रीगवाही री एग्जामिनेशन के लिए लेके जाने के लिए दबाव बना रहा था, जो कि रितेश बीच में आ रहा था। इसी क्रम में ये लोग मुखबिरी, जैसे आकाश यादव है वो घर के बगल में ही रहता है, उसके मुखबिरी थी, ये सब बहुत लोग आसपास ही रहते हैं, उनका मूवमेंट देखे जैसे ये घर से निकला वहाँ से इसकी हत्या कर दी गई। जहाँ तक शिव शंभू की हत्या है, शिव शंभू मौर्य का, उसकी जब जेल में था सनी सिंह, वो जेल में से ही इनसे एक्सटॉर्शन के पैसे मांगा था 5 लाख। उसको अमित सिंह जो गिरफ्तार है उसके मोबाइल के माध्यम से उसने जेल से ही 5 लाख के पैसे मांगा था, बट शंभू मौर्या ने मना कर दिया। ऊपर से रितेश की बहुत करीबी इंसान था, और रितेश की जो मर्डर हुआ था तब रितेश के लिए इसने सड़क पे उतर के जो कैंडल मार्च निकाला, फेसबुक में विरोध किया है, और अलग अलग कम्युनिटीज़ में बैठ करके इसकी पैरवी किया है और केस की भी पैरवी किया है, जिसके चलते पहले से इनका प्लान था, क्योंकि फिरौती पहले नहीं दिया, बाद में रितेश की जो नज़दीकी होने के नाते रितेश की मर्डर केस में पैरवी करना, ये सब मिलके उसको मारने की प्लानिंग किए थे। मारते वक्त नौकर देख लिया है, नौकर क्योंकि लोकल के लड़के थे, इनको नौकर पहचानता था, इसलिए उसको दौड़ा के वो बच के भागने की कोशिश किया, पीछे के दरवाजे खोल के तब इनको पीछा करके इन लोगों ने गोली मारा और उनकी हत्या किया, और वहाँ से राज चौधरी की स्कॉर्पियो से फरार हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार की पुलिस चेकिंग करते रहे, ये मोटरसाइकिल किसी और को देके स्कॉर्पियो, राज चौधरी की स्कॉर्पियो में बैठ के फरार हो गए। ये है पूरी, और जल्दी से जल्दी युवराज उर्फ राज सिंह और सनी उर्फ मृगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। मेरे तरफ से 25,000 की दोनों को अलग अलग 25,000 की इनाम घोषित कर दिया गया है। इसके लिए 50,000 की इनाम है तो DIG महोदय को रेकमेंड किया जा रहा आज ही, और ये भी प्लान है इनको आगे ADG महोदय तक इनाम बढ़ाने के लिए रेकमेंड किया जाए। NSE की कार्रवाई पक्की है, गैंगस्टर की कार्रवाई भी पक्की है। इसमें पूरा गैंग में अभी तक 9 लोग प्रकाश में आए हैं, 9 लोग में 6 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, 7वां पहले से जेल, रितेश की हत्या के बाद ही पुलिस के रडार में आया था, बट वो अपने मौजूदगी लखनऊ में रखा, CCTV का फुटेज वगैरह दिखाया, बट पूरा प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स में पूरा साथ में था, उसको पुलिस ने पहले पकड़ा, साक्ष न होने की वजह से उसको जेल भेज दिया गया। अब बाकी की गिरफ्तारी के बाद, उसका एनालिसिस के बाद वो सब सामने आया।